साक्षी महाराज की एचपीएस टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत। एचपीएस टीवी से बोले साक्षी महाराज कि ओवैसी और बीजेपी में नहीं है कोई टक्कर। 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे उन्नाव सांसद। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज नवाबगंज के जंसार गांव में विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एचपीएस टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। साक्षी महाराज ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है, कोई पूरब है तो कोई पश्चिम है, इनकी आपस में तुलना ही नहीं हो सकती। इसके अलावा वैक्सीन पर हो रही राजनीति पर सांसद ने अखिलेश यादव को लताड़ लगाई। सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव गंदी राजनीति कर रहे हैं, वैज्ञानिकों का आभार जताना चाहिए। ओवैसी पर एक बयान जारी किया था, मीडिया ये दिखा रहा है कि ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है चुनाव में विधानसभा में, पूरी तरह से निराधार है जी। दोनों 36 का आंकड़ा है, एक पूरब एक पश्चिम जी। भारतीय जनता पार्टी को किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, जनता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जी। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो सबका विश्वास जीत करके विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव सारे देश में लड़ती है, इसलिए ओबीसी जैसे गद्दारों की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। वैक्सीन आज लगाई जा रही है 3 लाख लोगों को, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा भारत के वैज्ञानिकों का जी। और चूंकि इस कमेटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग कमेटी का मैं स्वयं मेंबर हूँ जी जी, वैज्ञानिकों के हाथ जोड़ जोड़ करके बहुत विनम्रता से आग्रह करके और वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके इस कार्य को किया है, इसलिए इसकी पूरी की पूरी मैं अखिलेश यादव हूँ या कांग्रेस के नेता, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता जी। तब तो ये दिखा रहे थे कि ये लोग मंदिर बना रहे हैं जी जी, और रसिया और अमेरिका और ये वैक्सीन बना रहा है जी। अब हमने सबसे पहले वैक्सीन बना ली जी, तो कोई कह रहा है हम लगाएंगे ही नहीं, कोई कहता है बीजेपी की वैक्सीन है। मुझे लगता है खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे लोग पगला गए हैं, इन्हें वैज्ञानिकों से क्षमा मांगनी चाहिए। कई अहम बिंदुओं पर बात, उनको वैक्सीन को लेकर के कहना था कि जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है वो गलत है, और ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन सभी की है और सभी को मिलेगी। साथ में ओवैसी को लेकर के जिस तरीके से मीडिया जगत में ये खबर चलाई जा रही है कि ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी हाल ही के दिनों में 2022 में होने वाले चुनाव में एक साथ देंगे, उसका इन्होंने खंडन किया। साफ तौर पर ऐसा सांसद साक्षी महाराज अभी हम एचपीएसटी से बात करते हुए बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मीडिया वो दिखा रही है। उनका कहना है कि ओवैसी के साथ किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव पर गठबंधन नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो इतनी मजबूत है कि वो अकेले दम पर चुनाव 2022 में प्रदेश का वो जीत सकती है। एचपीएसटी के लिए उन्नाव से शिवम सिंह।